हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कुकीज़। और कुकीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि कुकीज़ होता क्या है और इसे हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, राइट? तो समझने के लिए तो हम लोग फिर से वापस आते हैं अपने एक कैलिड्रॉ के ऊपर में, और यहाँ से समझते हैं हम लोग थोड़ा सा डायग्राम। और इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कुकीज़ क्या होता है और कुकीज़ को हम लोग कैसे यूज करते हैं। सपोज करो कि ये है आपका ब्राउजर। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि ये मेरा है ब्राउजर, राइट? और ब्राउजर तो क्लाइंट साइड यूज होता है, ये मालूम है आपको। और दूसरा है एक हमारा सर्वर। तो हम लोग तो यूज करें एक्सप्रेस जेएस, और ये है हमारे बैकएंड का कोड। सो हियर इज आवर सर्वर। सपोज करो कि यहाँ पे यूजर है और यूजर कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से कि मुझे कुछ प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, राइट? तो जब आप कोई भी प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो ना, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिक्वेस्ट, तो सर्वर क्या चाहता है कि आप एक ऑथेंटिक यूजर हो या नहीं हो, पहले उसको तो वेरीफाई करो। और अगर वेरीफाइड हो गया उसके बाद में ये सर्वर आपको एक टोकन रिटर्न करके देगा, राइट? अब यहाँ पे हमारा जो आएगा वो आएगा रिस्पांस। तो जब आप रिस्पांस में लोगे ना, तो रिस्पांस के साथ सर्वर क्या करता है कि कुछ एक वैलिडेशन टोकन आपको पास करके देगा। ये टोकन क्यों पास करके देगा? क्योंकि जब आप अगली बार फिर से रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे वो जो प्रोटेक्टेड डेटा है वो चाहिए होगा, तो फिर सर्वर क्या सोचेगा कि पहले आपको मैं वेरीफाई करूँगा कि क्या आप वही वैलिड यूज़र हो या नहीं हो। तो ये जो टोकन होगा ना, ये टेम्पररली अगर ब्राउजर के पास स्टोर हो जाता, तो अगली रिक्वेस्ट में जब भी यूजर रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो अपना एक टोकन इसके साथ लेकर के जाएगा और बोलेगा कि आपने जो टोकन मुझे यहाँ पे रिस्पांस में दिया था वो टोकन मैं आपको दे रहा हूँ, और इससे आप वेरीफाई करो कि मैं वही हूँ जो पिछली बार में आपके यहाँ रिक्वेस्ट किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारा कि टोकन जो हम लोग यहाँ पे रखते हैं एक ऑथेंटिकेशन के लिए और ऑथराइजेशन के लिए, तो उसी को रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुकीज़ का। तो कुकीज़ क्या है? एक छोटा सा मेमोरी स्पेस लेता है, अप्रॉक्सीमेटली 4KB ये लेता है, और 4KB तक का इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर में स्टोर कर सकते हो, और इस 4KB के अंदर में आप कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख सकते हो, राइट? एंड दिस टोकन विल बी स्टोर्ड इन आवर कुकीज़, राइट? तो ये मैं बना देता हूँ कि ये मेरा एक कुकी है, और इस कुकीज़ को हम लोग स्टोर करवाते हैं कहाँ पे? तो क्लाइंट साइड में। तो यहाँ पे मैं छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पे है हमारे पास कुकीज़। तो कुकीज़ का यूज जो है ना, वो हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। एक तो हो गया हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, और दूसरा है कि यूज़र को आप ट्रैक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, राइट? कि अगर कोई यूज़र किसी ई कॉमर्स साइट पर विजिट करता है तो वो किस किस प्रोडक्ट के ऊपर में विजिट कर रहा है, किस किस पेज के ऊपर में जा रहा है, और उस पेज के ऊपर में वो कितने टाइम स्पेंड कर रहा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग टेम्पररली कुकीज़ के अंदर में स्टोर करके रखते हैं। सो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि कुकीज़ का काम क्या है, और अब हम लोग चलते हैं कि कुकीज़ बनाएंगे कैसे। सो हेयर इज आवर VS कोड, और यहाँ पे है हमारे पास पिछले सेशन का कोड। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रन लेता हूँ एज इट इज़, और यहाँ पे एक हम लोग अलग राउट बनाते हैं जहाँ पे हम लोग पहले कुकीज़ को सेट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट ही करते हैं, और यहाँ पे एक हम लोग राउट बना लेते हैं और इसमें डाल देते हैं सेट कुकीज़, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पांस, एंड देन हेयर वी हैव टू सेट द कुकीज़। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग आ रहे थे कि जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो एज अ रिस्पॉन्स आपको कुकीज़ सेंड करेगा, राइट? तो आपको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर में अटैच करना है कुकीज़ के वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और सेट कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट कुकी, राइट? और इसके अंदर में दो पैरामीटर आपको पास करना है, एक आपका कुकीज़ का नेम क्या रखना है, यानी वेरिएबल नेम क्या रखना चाहते हैं, और उसका वैल्यू क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ पे सपोज करो कि आप डाल देते हो यूज़र नेम, और यूज़र नेम क्या रखना चाहते हो, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे टेस्ट यूज़र, दैट्स ऑल। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ से मैसेज कर लेते हैं हम लोग
कि मेरा कुकी सेट हो गया। सो हियर इज कुकीज सेट। अब इसे टेस्ट करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर में, या फिर हमारा तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है, तो आप चाहो तो ब्राउजर के ऊपर में भी टेस्ट कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे ब्राउजर है, और इस ब्राउजर के ऊपर में हम लोग चलते हैं यहाँ से लोकल होस्ट, और पोर्ट नंबर है हमारा 8000, राइट। और जो राउट हमने बनाया था यहाँ पे देख लो, सेट कुकी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्लैश सेट कुकी एंड देन प्रेस इंटर। तो यहाँ पे हो गया कुकी सेट, और कुकी जो सेट हो गया होगा, तो हम लोग चलते हैं अपने इंस्पेक्ट वाले टैब के ऊपर में, और यहाँ से हमें मिलेगा एक एप्लीकेशन टैब, और एप्लीकेशन के अंदर में देखो यहाँ पे कुकीज है, और ये जो है कुकीज ये हमारा सेट हो गया है टेस्ट यूजर। ऑल राइट, सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, हमारा कुकी सेट हो गया है। अब वापस आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर में, और यहाँ से चलते हैं कि जो कुकीज के अंदर में डेटा सेट हुआ उस डेटा को हम लोग कैसे गेट करेंगे। तो यहाँ पे एक दूसरा राउट हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे ऐप डॉट गेट एंड देन राउट इज गेट कुकीज, और यहाँ से कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट जेसन ही कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं मैसेज मैसेज, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं गेटिंग कुकी डेटा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है गेट कुकी का राउट, तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कि जो भी हमने कुकी यहाँ पे सेट किया है उस कुकी को यहाँ पे हम लोग एक्सेस करें, राइट। तो एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे कंसोल करके और डिस्प्ले कर दो, या फिर आप एक वेरिएबल के अंदर में डाल दो कि मुझे क्या मिलेगा कुकी का डेटा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर में होगा हमारे पास कुकी प्रॉपर्टीज। ऑल राइट, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में, और चेक करते हैं कि मुझे कुकीज़ का डेटा मिलता है या नहीं मिलता है, राइट। तो वापस आ जाओ अपने ब्राउजर के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं गेट कुकीज़, और जैसे ही गेट कुकीज़ किया तो यहाँ पे तो हमें इंफॉर्मेशन मिला गेटिंग कुकी डेटा, और जब हम लोग आते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में तो यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे क्या मिला, अनडिफाइंड। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये कुकी को पार्स नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो हेडर के अंदर में टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है, हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट कुकी। अभी आप देखना चाहो कि हेडर्स के अंदर में क्या है वो भी आप टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, कि हमारे हेडर के अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, राइट। तो वापस आ जाते हैं, और इसको हम लोग कर लेते हैं साइड बाई साइड, और यहाँ पे भी कॉन्सोल को कर लेते हैं छोटा, और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मुझे मिल गया हेडर्स का सारा इंफॉर्मेशन, होस्ट कनेक्शन एक्सेप्ट एंड यहाँ पे मिला मुझे कुकीज, राइट। और यहाँ पे देख लो यूजर नेम मिल गया टेस्ट यूजर। तो यहाँ से आप खाली अगर कुकी को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हेडर्स डॉट कुकी, और उसके बाद वापस आ जाओ ब्राउजर के ऊपर में, और यहाँ पे हमारे पास कॉन्सोल, और यहाँ फिर से आकर के रिफ्रेश करो। जैसे रिफ्रेश करोगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे यूजर नेम इज टेस्ट यूजर, राइट। और स्पेस के लिए यहाँ पे दे रहा है परसेंटेज 20, राइट। ये सब चीज़ें तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे अगर हम चाहते थे कि नहीं मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जेसन के फॉर्म में, तो इस कुकी डेटा को पार्स करना पड़ेगा, और कुकी डेटा को पार्स करने के लिए हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा कुकी पार्सर। तो आप इस सर्वर को पहले स्टॉप कर लो यहाँ पे, और स्टॉप करने के बाद यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं कुकी पार्सर को। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं npm इंस्टॉल एंड देन कुकी पार्सर। ऑल राइट, सो इट इज इंस्टॉल्ड एंड देन रीस्टार्ट आवर सर्वर। सो हेयर इज आवर npm रन स्टार्ट। ऑल राइट, सो इट इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 8000। और अब हम लोग आते हैं ब्राउजर के ऊपर में, और चेक करते हैं कि हमारे जो कुकीज़ है उसके अंदर का डेटा मिलता है या नहीं मिलता है। तो पार्स कुकी करके हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग यूज़ करेंगे कुकीज़ को। अब यहाँ पे तो हमने अपडेट कर दिया कि मुझे चाहिए रिक्वेस्ट से कुकीज़, लेकिन अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं किया है कुकी पार्सर को, और चूंकि मुझे कुकी पार्सर मिडिलवेयर यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इम्पोर्ट एंड देन कुकी पार्सर फ्रॉम कुकी पार्सर, राइट।
और मिडलवेयर यूज करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं ऐप डॉट यूज एंड देन वी हैव टू यूज द कुकी पार्सल, और कुकी पार्सल हमारा एक फंक्शन है, सो वी हैव टू यूज द फंक्शन। ऑल राइट, अब आते हैं ब्राउजर के ऊपर में और चेक करते हैं कि हमें सब कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो हियर इज आवर सर्वर, और यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश, सो वी हैव गॉट द यूजर नेम इन आवर एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, सो नाउ रिटर्न बैक टू आवर बेस कोड। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अपने कुकी डेटा को अगर चाहते हैं कि कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को हम डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो डेटा मेरा इंक्रिप्टेड होना चाहिए, राइट? तो आप उस कुकी डेटा को कैसे इंक्रिप्ट कर सकते हो? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी पास किया था यूज़र नेम, और मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र नेम जो है टेस्ट यूज़र, ये टेस्ट यूज़र सभी को विजिबल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और एडिशनल ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे कि मुझे ये साइंड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सो हियर वी हैव टू पास अ प्रॉपर्टी साइंड एंड दैट साइंड शुड बी ट्रू। अब जब साइन करोगे तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ सीक्रेट की चाहिए होगा, जिस की से हम लोग इस वैल्यू को साइन करेंगे। तो उस सीक्रेट की को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज़ किया ना कुकी पार्सल, यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तरीका है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे डाल दो कि दिस इज माय सीक्रेट की, या फिर इस सीक्रेट की को आप .env नाम की फाइल है उसके अंदर में डाल दो, और उस की के साथ आप इसको साइन कर दो, राइट? तो अभी अगर मैं इसको सेव करूं और कुकी को सेट करता हूं, तो देखना कि जो टेस्ट यूजर है ना वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको दिखेगा। तो यहां पे हम लोग चलते हैं और सेट कुकी वाले के ऊपर में फिर से हम लोग प्रेस कर देते हैं इंटर। और अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि यूज़र नेम क्या है, तो देखो आपको यहाँ पे टेस्ट यूज़र नहीं दिख रहा होगा, बल्कि कुछ रैंडम टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे। अब ये जो रैंडम डेटा है, इस डेटा को आप कैसे एक्सेस करोगे, राइट? अगर आप यहाँ पे जा करके और गेट कुकीज करते हो और वापस आ करके अपने कॉन्सोल के ऊपर में अगर देखते हो यहाँ पे कि अगर हम लोग करते हैं रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं मिला मुझे, लेकिन मेरा कुकी सेट है, राइट? लेकिन अब की बार जो कुकी है वो प्लेन कुकी नहीं है, बल्कि वो साइंड कुकी है। अब इस साइंड कुकी को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते कि रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, बल्कि यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट साइंड कुकीज। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ साइंड कुकीज, और वापस आकर के हम लोग फिर से टेस्ट कर लेते हैं कि मुझे साइंड कुकी मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए और करते हैं गेट कुकीज, तो यहाँ पे मुझे मिल गया यूज़र नेम, और यूज़र नेम इज टेस्ट यूज़र। अब वापस आते हैं फिर से हम लोग वीएस कोड के ऊपर में, और एक नई चीज़ें देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो कुकीज़ है ना वो शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड कहने का मतलब आप 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट ऐसे करके आप इसको स्टोर कर सकते हो ब्राउज़र के अंदर में, और जैसे ही हमारा टाइम एक्सपायर हो जाएगा वैसे ही हमारा कुकी का डेटा भी एक्सपायर हो जाना चाहिए, राइट? तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि मैक्स एज कितना रखना चाहते हो, और जो मैक्स एज रखते हैं हम लोग वो मिली सेकेंड्स में होता है। तो अगर आप यहाँ पे 10,000 डाल देते हो, 10,000 मिली सेकेंड, इसका मतलब हो गया 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे अभी हम लोग 10 सेकेंड्स ही रखते हैं टेस्टिंग करने के लिए, नहीं तो आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया कि मैक्स एज इज 10 सेकेंड, और जैसे ही 10 सेकेंड एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली हमारा यूजर नेम कुकी से रिमूव हो जाएगा। सो लेट्स कम बैक टू आवर ब्राउजर, और यहाँ पे हम लोग करते हैं सेट कुकीज, और इसको मैक्सिमाइज करते हैं और क्लिक करते हैं सेट कुकीज, और ये हमारा कुकी सेट हो गया है। अब देखते हैं 10 सेकेंड के बाद ये हमें मिलता है या नहीं मिलता है। ऑल राइट, 10 सेकेंड के बाद जब मैंने क्लिक किया गेट कुकीज, तो मुझे मिल गया यहाँ पे ब्लैंक डेटा, राइट? तो हमारा 10 सेकेंड के बाद में कुकी का जो डेटा था वो एक्सपायर हो चुका है। आप चाहे इसको जितनी बार भी क्लिक कर लो, आपको बस ब्लैंक ही डेटा मिलने वाला है। तो अगर मैं फिर से इसको क्लिक करूं रेफ्रेश, तो मुझे फिर से एक ब्लैंक डेटा मिल गया, क्योंकि वो 10 सेकेंड के बाद अगर आप जा करके देखो तो यहाँ पे आपका कुकी नहीं मिलेगा, राइट? यहाँ से कुकी रिमूव हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि आप जो कुकी स्टोर कर रहे हो वो कुछ पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए ही रहना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो डेटा हमारे कुकी से रिमूव हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आप टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर सकते हो। ऑल राइट, सो नाउ रिटर्न बैक टू वीएस कोड अगेन,
और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज हम लोग ऐड कर सकते हैं, दैट इज द एच टी टी पी ओनली, और एच टी टी पी ओनली यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं ट्रू। इससे क्या होगा कि क्लाइंट साइड वाला अगर चाहे तो डायरेक्टली इसको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस ना कर सके। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं कि इसका जो पाथ होगा वो पाथ क्या है, तो यहाँ पे नॉर्मली सेट करते हैं हम लोग रूट को, तो यहाँ पे पाथ सेट कर दो रूट। तो कुकीज़ का ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों ने सेट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पास किया था सीक्रेट की, इस सीक्रेट की को अगर आप रखना चाहते हो डॉट ई एन वी नाम के फाइल के अंदर में, तो आप क्या करो यहाँ से इसे हटा दो और डॉट ई एन वी के अंदर आओ जहाँ पे हमने पहले से पोर्ट बना करके रखा है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि मेरा जो सीक्रेट की है वो क्या है, तो सीक्रेट इज इक्वल्स टू और वैल्यू को पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे हमने डाल दिया सीक्रेट की, और इसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, तो प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट सीक्रेट, राइट। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लाया था पोर्ट को, सेम उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है सीक्रेट को। ऑल राइट, और वापस चल करके फिर से एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि सारा चीज़ सही सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले सेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो सेट देन कुकी इज सेट, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं गेट, कुकी मिल रहा है, वेरी गुड, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कुकी हम लोग कैसे बनाते हैं, साइन कुकी कैसे बनाते हैं, सीक्रेट कैसे हम लोग बनाते हैं, और कुकी का एक्सपायरी टाइम हम लोग कैसे सेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।